मैं ये कह सकता हूँ कि इतने टाइम से मैं बॉलीवुड की कुछ बकवास मूवीज और सीरीज देखता आ रहा हूँ, सच में उनसे पक गया था मैं। इतना घटिया प्रोपोगंडा वो फैलाते हैं, इतनी बकवास बकवास वो कंटेंट लेके आते हैं, उससे मैं पक चुका था। और अब जो मूवी आई थी जोगीरा सारा रा ऐसे कुछ करके जो मूवी है, अब जब मैं इसको देखने गया था, इससे मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी कि भाई मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस ऐसे ही घूमते फिरते इस मूवी को देखने चला गया। अब मूवी कैसी लगी उसकी तो हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूवी के अंदर स्टोरी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2 घंटे के आसपास इस मूवी को रखा गया। जो इसमें कहानी हमें देखने को मिलती है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोगी, जो काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ू है, लेकिन उसका जुगाड़ जो है कभी कभी काम नहीं आता या ज़्यादातर काम नहीं आता, जिसको प्ले किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा। और जो ये जोगी है वो शादी करवाने का इवेंट करवाता है, मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, फूल हो गया या फिर और कोई सामान हो गया, डेकोरेशन हो गया, इन सब चीज़ों का ठेका जो वो जोगी उठाता है। अब एक शादी के अंदर इसको एक डिम्पल नाम की लड़की मिलती है, या उसकी शादी हो रही होती है या जो भी होता है। अब डिम्पल इसको कहती है देखो मुझे शादी नहीं करनी है, और इससे वो हेल्प मांगती है जोगी से। अब जोगी उसकी हेल्प करता है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि भाई शर्त आ जाती है कि भाई जोगी के ऊपर उसको शादी करनी पड़ेगी डिम्पल से। अब वो करता है नहीं करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया, इतनी कहानी तो आप लोगों को ट्रेलर में मिल जाएगी। मैंने इसलिए बताया क्योंकि छोटी सी वीडियो बनाने का क्या ही फायदा होता है, थोड़े बहुत स्टोरी को ऐड कर दो ताकि जिसने ट्रेलर नहीं देखा है उसको भी कहानी का पता चल जाए। अब बात करते हैं कि कहानी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी, या फिर क्या कमियां हमें लगी। जो सबसे पहले अच्छी बातों के ऊपर आते हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो इसके अंदर डायलॉग है, जो इसके अंदर कॉमेडी रखी गई है वो काफ़ी अच्छे। देखो डायलॉग सचमुच में कई कई ऐसी चीज़ें थी कि मुझे लगा कि यार काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होती कि मैं वापस इसको बैक लेके जाता और वापस वो वाला सीन देखता। सेम ऐसे सीन कुछ थे कॉमेडी वाले, ऐसी फीलिंग आई कि यार इसको एक बार और प्ले कर दो यार, इतना बढ़िया मुझे वो लगा। और सबसे अच्छी बात जो मूवी की मुझे लगी कि इसके अंदर कोई फालतू का प्रोपोगंडा नहीं है, कोई वल्गर सीन नहीं है, जो जैसे बॉलीवुड मूवीज में हमें देखने को मिल रहा था, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और आप इस मूवी को जब देख कर निकलते हो तो आपको लगेगा यार फ्रेश माइंड हो गया एकदम से, जितनी भी आपकी थकान थी वो इस मूवी को देख कर हंस कर वो एक तरीके से दूर हो चुकी है। लेकिन कुछ मूवीज़ जैसे मैंने अभी देखी हैं या फिर सीरीज़ जो मैंने देखी हैं बॉलीवुड की, ऑलरेडी मैं उनका रिव्यू कर चुका हूँ, या एक दो बची हुई हैं, गर्मी करके एक सीरीज़ मैंने देखी है, सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है उस सीरीज़ का रिव्यू करने का, हालांकि मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसके अंदर इतना कुछ दिखाया गया है, इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर देखने को मिल जाती है कि यार मन ही नहीं करता यार उसके लिए बोलने के लिए। खैर इस मूवी पे फोकस करते हैं। जो अच्छी अच्छी बातों में एक और जो छोटी सी चीज़ अच्छी लगेगी वो ये कि इसके अंदर एक लव स्टोरी भी डाली गई है। हाँ वो इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया गया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो लव स्टोरी आपको थोड़ी बहुत पसंद आ जाएगी। ये हो गई इसकी ओवरऑल अच्छी बात है। कमियों के बारे में बात करूँ तो देखो इसके अंदर गाने रखे गए हैं, लेकिन गाना मुझे एक भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो एवरेज ही है, कोई इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बावजूद इनके आप इन लोग इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक फैमिली मूवी देखने जा रहे हो, या फिर कहेंगे कि इस मूवी में आपको कोई फालतू का प्रोपोगेंडा देखने को नहीं मिलेगा। एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई गई मूवी है और जो आपको डेफिनेटली एंटरटेन तो करेगी ही। देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 6.5 out of 10। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो देखो मैं रिव्यू लेट तो कर रहा हूँ, अगर आपके नज़दीकी थिएटर्स में लगी हुई तो जाकर देख लेना। रिव्यू लेट करने के पीछे ऐसा रीज़न है कि भाई सब टाइम ही नहीं मिलता। मैंने बहुत सारी मूवीज़ भी देख रखी हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की जो एनिमेटेड मूवी आई वो देख ली, गैलेक्सी गार्डियन 3 आ चुके हैं वो मैंने देख ली, या जरा हट के जरा बच के मूवी आई है वो भी मैंने देख ली, लेकिन उनके बारे में लिखना उनके बारे में बोलने के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भी कंप्लीट करें, उनके ऊपर भी अपने विचार रखें। तो जिन्होंने नहीं देखी अगर आप लोगों के नज़दीकी थिएटर में लगी हुई तो जाकर आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।